हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज का दिन है संडे, और आज ये सुबह गए थे तो बहुत सारी पालक और मेथी ले आए थे, क्योंकि सुबह सुबह अच्छी पालक और मेथी मिल जाती है। सुबह मैंने ओट्स बनाए थे नाश्ते में, तो मैंने ये पालक और मेथी अभी निकाली है। तो मैंने सोचा पहले मैं पालक बना लेती हूँ, पालक और मेथी में से एक ऑप्शन था, क्योंकि पालक थोड़ी क्या है, ज़्यादा ही सॉफ्ट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा ताज़ी ताज़ी है तो पहले मैं पालक ही बना लूँ। मेथी तो थोड़ा सा टिक भी जाती है, तो मैंने इसकी जड़ें काट के अच्छे से इसको बीन लिया। उसके बाद में 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है, क्योंकि जब भी कोई हरी सब्जी आए ना, हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह रहती हैं। तो जब तक 4-5 पानी से ना धो लो, तब तक इसमें आलस नहीं करना चाहिए। खूब अच्छे से धो के मैंने इनको निकाल दिया है पालक को, और मैं बना रही हूँ आलू और पालक की उबाल की जो सब्जी बनती है, तो मैं वही बनाऊँगी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और बना लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, आलू पालक बहुत दिन से नहीं बनाई है, और अभी मेरी चारपाई पड़ी हुई थी तो अभी निकाली नहीं थी इन्होंने, तो अभी निकाल के आए हैं। और ये देखिए, जब हम घूमने जाते हैं तो ये नीचे भी साइकिल चला लेता है, अदरवाइज़ ये देखिए फ्रिज में हर जगह टक्कर लगती है इसकी। तो यहाँ पर मैंने आलू कट करके रख दिए हैं, और वैसे तो मैं आलू पालक की जब सब्जी बनाती हूँ तो पालक अलग से कर लेती हूँ, मतलब पानी रख के, और थोड़ा सा इसको क्योंकि कम ही उबालना होता है। लेकिन अभी क्या, मैं जल्दी में खाना बना रही थी तो मैंने एक ही साथ रख दिया है, पालक को ऊपर रखा है ताकि ये ज़्यादा ना पके, नीचे से मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं। और बस आलू पालक पक रहा था जब तक मैंने इसको नहला दिया है, मैंने कहा जब तक ये बॉयल हो रहा है तब मैं इसको नहला धुला के तैयार कर दूँ, उसके बाद में मैं जाके सब्जी वगैरह बनाऊँगी। तो इसको नहला दिया, उसके बाद में ये देखिए पालक को मैंने थोड़ा सा खड़ा खड़ा पीसा है। जब भी आलू पालक बनाए ना इस तरीके से उबाल के, तो एकदम महीन ना पीसे, थोड़ी सी पालक खड़ी खड़ी रहे, इसमें प्याज भी थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी रहती है ना, तो ये अच्छी लगती है मुझे, मतलब इसमें दिखती रहती है पालक, पूरी ऐसी मेहंदी जैसी हो जाती है, एकदम हरी हरी तो नहीं अच्छी लगती। तो ये देखिए कितने अच्छे से आलू पालक की सब्जी बन गई है। चावल भी मैंने रख दिए हैं, रोटी भी, उसके बाद में नहा धो के ही मैंने लगाई है अभी थाली। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आके खाना। और आज इसके बाल भी कटवाने थे तो इसलिए इन्होंने घर पे ही बुला लिया है, क्योंकि ये क्या है, बाहर जाते हैं ना तो ये अच्छे से कटवाता नहीं है, मेन दिक्कत है ये अच्छे से उन्हें छोटे नहीं, सेट नहीं करने देता है, तो इसीलिए इन्होंने घर पे ही बुला लिया था कि यहाँ पे इसके पकड़ के अच्छे से कटवा दें बाल। और इसी का मैं रिव्यू करूंगी और इसमें रेसिपी भी बनाऊंगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो बनाते हैं उसमें बहुत सारा ऑयल यूज करते हैं, जो भी चीजें फ्राई करने वाली बनाते हैं उनमें बहुत सारा ऑयल यूज होता है। दोस्तों ये है अगारो रेजेंसी का एयर फ्रायर, और हम इसको यूज करके अपने जो लाइफ में जितनी भी चीजें खाते हैं ऑयली, उसे 90% ऑयल को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऑयल में या बिना ऑयल की चीजें बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे आपको पनीर टिक्का बनाना है, कुछ भी फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, कुछ भी चीज को फ्राई करना है, कुछ भी समोसे वगैरह भी बनाने हैं, तो इसमें आप बना सकते हो, बहुत सारी चीजों के काम आने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके साथ में क्या क्या टूल्स आए हैं और कुछ इसमें बनाएंगे। तो ये एयर फ्रायर आपको 12 लीटर की कैपेसिटी के साथ में मिल जाता है, ये इसका कुकिंग स्पेस है जो कि काफ़ी अच्छा है। ऊपर आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपनी रेसिपी के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बल्ब मोड ऑन करते ही ये देखिए यहाँ की लाइट ऑन हो जाती है ताकि आराम से देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी आपको ये ट्रे और बास्केट मिल जाती है जो कि आप अलग अलग रेसिपी के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको मिल जाती है रोटेटिंग बास्केट, जैसे कि आप जब फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाते हैं ना उस टाइम पे इसका अच्छा यूज हो जाता है। और ये है रोटेटिंग स्टिक, इसमें इस तरीके से स्क्रू दिए होते हैं, इसको यहाँ से टाइट कर देना है जब आप पनीर टिक्का बनाते हैं तब इसका यूज़ करते हैं, और साथ में ही आप इस तरीके से इसमें पनीर टिक्का अपने लगा सकते हैं। और साथ में हैंडल टूल दिया होता है जिससे कि आराम से इसको ऐसे रख सकते हैं जब ये गर्म हो जाए, और जब आपके पनीर टिक्का रेडी हो जाए, ये देखिए मैंने जैसे रोटेटिंग मोड ऑन किया ये रोटेट होने लगा है, और इसी तरीके से जो आपकी रोटेटिंग बास्केट है उसको भी इसी हैंडल टूल की सहायता से लगा देना है। साथ में आपको ये ग्लव्स मिल जाते हैं ताकि जब भी आप कोई गर्म चीज़ों को निकालना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक हैंडल मिल जाता है ये बास्केट वगैरह जो है उनको रखने के लिए, और जब आपको बहुत सारा पनीर टिक्का वगैरह कुछ बनाना है तब आप इस तरीके से ये रोटेटिंग वाला बास्केट यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपके पनीर टिक्का वगैरह बन जाएंगे। तो अभी मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ा सा आलू बॉयल किया था, उसमें मैंने प्याज, टमाटर,
हरी मिर्च, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डालने के बाद थोड़े से मसाले डाले हैं, सबको मिक्स कर दिया है। तो मैं बनाने जा रही हूँ ये ब्रेड कटलेट जो होते हैं ब्रेड रोल टाइप के, वही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बना लिए हैं और साथ में ही मैं फ्रेंच फ्राइज भी बना रही हूँ क्योंकि आयान को ये बहुत पसंद है। तो मैंने ये आलू कट किए थे, इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने आलू थोड़ा सा पानी में डाल दिए थे तो पानी रह गया है, तो पहले मैंने सोचा कि उसको बनाने में टाइम लगेगा, तब तक ये फ्रेंच फ्राइज बनने के लिए लगा देती हूँ। तो ये देखिए रोटेटिंग बास्केट में बहुत अच्छे से बन रहे हैं। और यहाँ पर जो ब्रेड के कटलेट मैंने बना के रखे थे उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेके उसकी स्लरी बना के उसमें अच्छे से डिप कर दिया है। उसके बाद ऊपर से मैंने जो ब्रेड क्रम्स से उनको लपेट दिया था। और ये देखिए हमारे जैसे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गए हैं, तो मैंने फिर दोबारा से इनको एक ट्रे में लगा दिया है और अपने अकॉर्डिंग इसमें टाइम मैंने सेट कर दिया है और बस इन्हें सेकने के लिए छोड़ देंगे और इनको बीच में एक बार पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सिक के तैयार हो जाएं। और ये भी थोड़े ठंडे हो गए तो इनको भी निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमारे बन चुके हैं फ्रेंच फ्राइज और साथ में ब्रेड कटलेट, ये देखिए कितने अच्छे से बने हैं। कई सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं इसमें। तो आप भी अपनी किचन के लिए इसको मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अभी हो रहा है अगला दिन मंडे की सुबह, सुबह लगी हूँ फटाफट से किचन में क्योंकि सुबह होती है जल्दी। मैंने दाल बनाई है, चावल रखा है, आलू मेथी की ये सब्जी बनाई है। मैंने बताया था ना कल मैंने पालक बना ली थी तो आज मैंने आलू मेथी बना ली। तो जितनी मेथी थी इन्होंने लेके आए थे मैंने सारी कट कर दी, उसमें से इतनी निकली है। ये चावल हो रहा है क्योंकि इसमें से मुझे पानी निकालना है। साथ में मैंने आटा ये देखिए लगा के रख दिया है, ये देखिए जल्दी जल्दी में थोड़ा सा आटा गीला हो गया है तो बस थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। और अभी मैंने क्या है बेड शीट वगैरह कल निकाल के रखी थी धोने के लिए कुछ, तो मैंने ऐसी मशीन के ऊपर डाल दी थी कि कल मैं इनको डाल दूंगी धोने को। तो अभी मैं जा रही हूँ मशीन भी लगा देती हूँ। एक बार में मैं दो बड़ी बड़ी बेड शीट एक बार में डाल देती हूँ। ये देखिए मशीन भी काफ़ी गंदी सी हो गई नीचे से, कपड़े डालते डालते जो गंदा हो जाता है इकट्ठा, तो ये भी साफ़ करने लायक हो गई है। अभी मैंने ये बालकनी पूरी धोई है वॉशिंग मशीन वाली। और ये वाला जो सर्प है इसमें कैप नहीं है तो मैं इससे नाप के डालती हूँ, पुरानी सीसी रखी है खाली उसी में से नाप के डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कैप भर के डाल दिया है दो बेड शीट में और बस यहाँ पर मशीन लगा दी है। थोड़ा सा फैल गया था तो आयान के पैंट से साफ कर दिया क्योंकि ये भी धोने के लिए डालना था मुझे। और अभी बालकनी में कुछ बाजी वगैरह बज रहे थे, कुछ निकल रही होगी भगवान जी के कुछ निकालते हैं यात्रा वगैरह, वही आयान आया तो दौड़ के देख रहे हैं। ऐसा कुछ निकलता है तो हम लोग भी आ जाते हैं देखने, लेकिन मैं जब तक आई वहाँ से बालकनी से काम वाम निपटा के तब तक वो निकल गए थे, मुझे कुछ देखने को ही नहीं मिला कि क्या थे। ये देख रहा था जब से बड़े ध्यान से बाजे बज रहा था। और ये कुछ मैंने फ्रिज में रखे थे डिब्बे जिसमें कुछ सामान रखा था जो ख़त्म हो गए थे सारी चीज़ें, तो ये भी मैंने धोने के लिए निकाल दिया था। फ्रिज साफ़ किया था तो ये डिब्बे वगैरह भी निकाल दिए थे, तो सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पर पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो अभी सुबह सुबह ये इसको मैंने नहला दिया है। पानी अभी भी मैं गर्म कर लेती हूँ क्योंकि मैंने बताया था ना गर्म पानी से जो बॉडी पेन वगैरह रहता है, थोड़ा गुनगुने से नहाओ ना सुबह के टाइम पे तो ठीक रहता है। वैसे तो यहाँ मौसम पूरा चेंज हो गया है और ये सुबह ही मेरा बिस्तर आज निकाल दे रहे हैं। ये देखिए ये काम इन्हीं को करना पड़ता है डेली। तो इसको नहला धुला के और बाकी काम निपटा वगैरह के मैं भी आ गई थी नहा के, तो मैं जा रही हूँ पूजा कर ले रही हूँ। और मैं वैसे सुबह जल्दी जल्दी पड़ती है खाने की, तो लोग कहते हैं ना नहा के ही बनाया करो, मैं रोटी सेक लेती हूँ नहा के, लेकिन कभी जल्दी होता तो वैसे भी बना लेती हूँ। ये तो प्लांट बेस होता है ना, पूछ रहे हैं
और पूजा करने के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में। तो ये देखिए मेरे चावल बन चुके हैं। तो चावल का जो भी पानी होता है एक्स्ट्रा पानी, वो पूरा मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ, जबकि मैं दिन में थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ, तो मैं इस समय पानी ज़्यादा लेती हूँ, खाना कम खाती हूँ। तो ये देखिए पूरा एक कटोरा पानी निकल आया है ना, तो इसको मैंने अलग निकाल के रख दिया और चावल को थोड़ा देर ढक के और छोड़ दिया मैंने बिल्कुल धीमी गैस से, कि थोड़ी बहुत कसर होगी तो सही हो जाएगी। और साथ में मैंने अभी सलाद भी काट दी है, मूली टमाटर वगैरह, तो इनके लिए भी हो जाएगा रखने को, और मैंने अपने लिए भी काट ली है। और बस फटाफट से मैं यहाँ रोटियाँ सेक लेती हूँ, और रोटी सेक ली है, इनका भी मैंने टिफ़िन लगा दिया है, और बस मैं हम लोग ही रह गए खाना वगैरह खाने के लिए, बाकी के मेरे काम हो गए। तो आज ही आप लोग भी, मैं भी खाना खा लेती हूँ, सब्जी दो रोटी मेथी की और दाल ये सब। तो बस यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।